हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नाउन। सो द नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वी कॉल इट नाउन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। सो द टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट द कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स एंड डेफिनेशंस। आइए डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन। कॉमन नाउन इज अ जेनरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो कॉमन नाउन होते हैं वो एक जैसे काऊ हो गया, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं काऊ, बॉय, जैसे इसमें होगा कोई बॉय है, जैसे आप देख सकते हैं बगल में कोई उसका नेम नहीं होगा, ऐसे कॉमन बॉय, और सिटी एक्सेट्रा। हम नाउन का सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी एनिमल, प्लेस, थिंग्स और पर्सन का कोई निश्चित नेम होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल में आगे देखेंगे। इन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड नो मैटर वेयर दे फॉल इन अ सेंटेंस। इंग्लिश में जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसा आप बचपन में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नेम होता है वो पहले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये नहीं मैटर करता है सेंटेंस में पहले आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं। जो होगा वो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। सो आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हो गया बॉय, बॉय कोई ये कॉमन नाउन में आता है बॉय, लेकिन जब इसका कोई स्पेसिफिक नेम हो जाता है, जैसे कि हमने ले लिया विशाल, जो विशाल हो गया ये अब हो गया है प्रॉपर नाउन। और सेकंड ले लेते हैं काऊ। काऊ एक होता है कॉमन नाउन, और इसका एग्जांपल लेंगे जैसे साहिवाल। ये साहिवाल हो गया, इसका प्रॉपर नेम हो गया, इसका पार्टिकुलर नेम, तो ये आवाज जाता है प्रॉपर नाउन में। और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं किसी सिटी का। जैसे सिटी है कॉमन नाउन हो जाएगा, अगर इसका पार्टिकुलर नेम ले लेते हैं जैसे लखनऊ, सो लखनऊ आपका हो जाएगा प्रॉपर। गाइस आइए नाउन का थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज अ टर्म दैट रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जो मटेरियल नाउन होता है टर्म होता है जो किसी मटेरियल सब्सटेंस को रिफर करता है कि वो किस चीज से बनी है। जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, सीमेंट हो गई। तो जो एग्जाम्पल होते हैं ये मतलब ये रिफर करते हैं कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। सो फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ टाइप है इसका कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी कलेक्शन या ग्रुप को रिफर करता है। जैसे किसी चीज़ के कलेक्शन हो गए, जैसे चाबियों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गई टीम, जो टीम होती है वो जैसे कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। सो जो टीम होती है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल होती है, जैसे कलेक्शन या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एंड द सेकेंड लाइक फैमिली, फैमिली कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। थर्ड एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे क्रू हो गया, क्रू ग्रुप ऑफ सेलर्स। तो जो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं कलेक्टिव नाउन के। ये हम नाउन का लास्ट टाइप देख लेते हैं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स इमटेरियल आइटम्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स लाइक आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, सब्जेक्ट एंड गेम्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो किसी इमटेरियल आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई मटेरियल ना हो। ये जो होते हैं किसी आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, सब्जेक्ट और गेम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपन, ये एक फीलिंग होती है। और सेकेंड एग्जाम्पल लाइक हमने ले लिया हैप्पी, फीलिंग हैप्पी है फीलिंग हो गई। सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, गेम्स लाइक क्रिकेट।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।